बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गया जमात इस्लामी, वही बांग्लादेश फौज में हुआ दोस्तों जो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने करा था। जमाने में लोग कहते हैं, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, जमाने में जियाउल हक के आर्मी चीफ बनने से पहले वो जनरल, वो ब्रिटिश टाइम के थे साहब, ट्रेंड थे ब्रिटिश टाइम के, वही शाम को विस्की लेना, वही नाच गाना, अंग्रेजों का एक लाइफस्टाइल हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजों का लाइफस्टाइल सही है कि गलत है, मैं वो कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जियाउल हक के आने के बाद सब कुछ बदल गया पाकिस्तानी फौज में। मैं पाकिस्तानी फौज का एग्जांपल दे रहा हूं, निशाना मेरा बांग्लादेश फौज की ओर है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा गेम हुआ तो हुआ कैसे। अब दोस्तों, पाकिस्तानी फौज में सबसे पहले जब जियाउल हक आया तो कट्टर इस्लामिस्ट, कट्टर का भी कट्टर दोस्तों, कट्टर का भी कट्टर, और जियाउल हक ने सबसे पहले बोला कि सारे अफसर हैं सब दाढ़ी बढ़ाएंगे, जिसकी दाढ़ी नहीं होगी तकरीबन 4 इंच की दाढ़ी उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऐसा हुआ था, ऑफिस के बीच में छुट्टियां कि नमाज का वक्त हो गया, जाके चुपचाप काम बंद करो, नमाज पढ़ो, सारे शराब खाने बंद और खुले कोड़े सड़क पे लोगों को पड़ते थे। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि साहब हमें शरिया चाहिए, हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए, तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी थी तुम्हें। आज तुम उसी जियाउल हक को गाली देते हो और तुम कहते हो कि जियाउल हक की वजह से टेररिज्म आया, तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। शरिया का नाफिज होना, वहां पे मुजाहिदीन को पैसे देना, वहां पे ट्रेनिंग करना, टेररिज्म आना, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब बांग्लादेश में क्या हो गया दोस्तों, आप बोलेंगे मेजर साहब फिर पाकिस्तान चले गए, नो नॉट एट ऑल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक ही थी, 1971 में ये दो हो गए, राइट। अब बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गई जमात इस्लामी, आज की तारीख में वहां पर भी आपको दाढ़ी वाले जनरल मिल जाएंगे। अब मुझे दाढ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का दीनी मामला है तो उसका दिन ही वो एक दाढ़ी हो गए, दो हो गए, अपने को क्या लेना देना यार इस चीज से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जमात इस्लामी फिर कहता है कि उसको भारत के साथ दोस्ती करनी है। ये जमात इस्लामी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि देखिए वी कांट चेंज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, अब बांग्लादेश जहां पे है वहीं पर रहेगा, भारत जहां पे है वहीं पर रहेगा, ये सब चीजें वहां पर होती रहेंगी, ऐसा बांग्लादेशियों का कहना है और ऐसा जमात इस्लामी का भी कहना है। लेकिन फिर जमात इस्लामी ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश को एक शरिया कंप्लायंट मुल्क बनाना है, यहां पर निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का कानून चलेगा, तो चलाओ, किसी ने मना नहीं करा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो चलाना है चलाओ, आपको जैसा कानून नाफिज करना है दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस, आपको सड़क पे लोगों को कटवाना है, कोड़े पड़वाने हैं, पत्थर से मरवाना है, दैट इज प्योरली योर बिजनेस। हम तो इंडिया वाले भैया अपने पैर ऊपर रख के चाय पी के खबर देखेंगे बांग्लादेश के, वील एंजॉय आवरसेल्व्स। आपको शरिया नाफिज करना है करो, लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है, मैं बांग्लादेश के जमात इस्लामी और सारे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके दो नेबर हैं, आपके सिर्फ दो नेबर हैं, एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क को रखा, दूसरा इंडिया, और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर है। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं, डर था ना, आज भी है यार बांग्लादेशी बिना कागज के देखो आ जाते हैं, बिना का कितनी जनसंख्या है तुम्हारी और हमारी कितनी है, सोचो तुम्हारी कितनी और हमारी कितनी है, तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, सोचना, मतलब थोड़ा सा सोचो, तसव्वुर करो कि ऐसा हो गया कि ठीक है भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ, हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है लेकिन भारत के साथ दोस्ती करनी है। दोस्तों आप जो कह रहे हैं ना शरिया नाफिज करना, मैं यहां पे हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे होंगे, ठीक है, और उनकी शरिया के बारे में मुख्तलिफ राय भी होंगी, और मैं साफ तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूं, आज शरिया वहीं पर अच्छा लगता है जहां पर तेल के दरिया बहते हैं। मैंने बहुत बड़ी बहुत गहरी बात कही है, सोच के बैठना, आराम से सोचना और समझना इस चीज को, शरिया वहीं पर अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हों, शरिया वहीं पर अच्छा लगता है जहां पर पैसे हों, शरिया वहां पे अच्छा नहीं लगता जहां पे दो वक्त की रोटी ना हो खाने की, राइट। और बांग्लादेश में दो वक्त की रोटी का आज की तारीख में प्रॉब्लम है दोस्तों, कई सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश कैसा बनेगा आगे चल के, कैसा बनेगा, शेख हसीना तो बहुत बुरी थी, अभी कोई और आ जाएगा वो बांग्लादेश को कहीं, देखिए साफ सीधी बात है, तुम्हें बांग्लादेश को जो करना है करो, जैसा करना है करो। आज की तारीख में एक और न्यूज आइटम है, जरा मैं वो आपको एनालाइज करके बताता हूं कि बांग्लादेश में गेम क्या हुआ, और यही चीज मुझसे कल परसों किसी ने पूछी भी थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीद लिया, एमुनिशन खरीद लिया, और मैंने बोला ठीक है वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो किसी से खरीदे, वो चीन से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, मंगोलिया से खरीदे, हम तो कोई नहीं कहते होते यार उसको कहने वाले कि तुम नहीं खरीद सकते। लेकिन ये देखो
बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एम्युनिशन उठाई है, आर्टिलरी एम्युनिशन पाकिस्तान से लिया उसने, जिसका रेंज है 30 से 35 किलोमीटर, 40,000 राउंड एम्युनिशन, 2,000 राउंड टैंक एम्युनिशन, 40 टन आरडीएक्स वैक्स कंसिस्टेंसी वाले और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। पिछले साल 12,000 राउंड लिए थे, इस बार 40,000 राउंड लिए हैं, और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, गार्डन रीच करके जो शिप बिल्डर्स है कलकत्ता में, वो तो उनके लिए शिप्स बना रहे थे उनकी नेवी के लिए, और सब कुछ था। भारत ने बोला हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। आप पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? पाकिस्तान किस तरीके से एम्युनिशन इतना ज्यादा मात्रा में पहुंचाएगा बांग्लादेश? कैसे पहुंचाएगा? या बिल्कुल नीचे से आएगा इस प्रकार से, या हवाई जहाज से जाएगा? कैसे करेगा? और इनको जरूरत क्या पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? उनके बगल में तो चीन है, ज्यादा दूर नहीं है चीन। चाइना इज नॉट वेरी फार अवे, म्यांमार से चाइना का बॉर्डर मिलता है। दे कुड हैव वेरी वेल इंपोर्टेड दिस एम्युनिशन फ्रॉम चाइना। इन्होंने पाकिस्तान ही चूज क्यों करा? पाकिस्तान से लिया ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से क्यों लिया ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जरूरत है पाकिस्तान से? सलाम अलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी अब ट्रेनिंग कर रही है चिकन नेक के करीब के इलाकों में, और दोस्तों एक बहुत बड़ा असले का आर्डर भी पाकिस्तान से वो ले गए हैं। एक बहुत बड़ा असले का आर्डर पाकिस्तान को दे दिया है, जिसमें टनों के हिसाब से TNT है दोस्तों। उसके अलावा बहुत बड़ा गोला बारूद, मिलिट्री का गोला बारूद है जिसमें मिसाइल तक शामिल है, तो वो पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा। बांग्लादेश इतना ज्यादा हथियार क्यों इकट्ठा करने लग गया है? क्योंकि भारत की जानिब से उसे भी खतरा हो गया है, और उन्हें पता है कि भारत भी उन पर हमला कर सकता है, और दोस्तों भारत को भी पता है कि चिकन नेक उसके अभी महफूज नहीं रही। चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करके इस इलाके को आजाद करवाएंगे। दोस्तों आप देखिए कि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से भारत ने आजाद करवाया था, आज वही बांग्लादेश है जो दोस्तों पाकिस्तान की तमन्ना पूरी करेगा, पाकिस्तानियों की वो तमन्ना कि भारत को दो टुकड़े करना। और भारत जिस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर है, एक छोटा सा इलाका, वहाँ पर अगर बांग्लादेश उस जगह को काट देता है चाइना और पाकिस्तान की मदद से, तो फिर पाकिस्तान का बदला ऐसा पूरा होगा कि जो दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता। आप खुद ही सोचिए कि वो बांग्लादेश जिसे बताते वक्त इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कल वो बांग्लादेश इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों 4 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसपे हमने कहा था कि बांग्लादेश जो है ये भारत को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। 1971 की तारीख आप हमारे चैनल पर जाकर अभी भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि भारत बिल्कुल इस जंग को नहीं जीता। कैदी इकट्ठा कर लेने से, जो उन्होंने 38,000 के करीब पाकिस्तानी कैदी इकट्ठा किए थे, वो एक बड़ी जीत नहीं होती। बड़ी जीत होती है आप लोगों के दिलों को जीत लीजिए, लेकिन दोस्तों उन्होंने बांग्लादेशियों के दिलों को हार दिया था। हमने 4 साल पहले कह दिया था कि ये बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, और दोस्तों ये बांग्लादेश भारत को उल्टे पाव भगाएगा। तो दोस्तों वो 4 साल पुरानी आप वीडियो देख सकते हैं कि एक एक लफ्ज हमारा आज बिल्कुल सच साबित हो रहा है, और चिकन नेक पर सबसे बड़ा खतरा है भारत को कि वो ना कट जाए। क्योंकि दोस्तों अभी अभी ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पर देखी गई है। चाइना के सफी 4-5 बार जाकर मोहम्मद यूनुस साहब से भी मिले हैं, उसके अलावा जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में भी गए हैं। जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में उन्होंने काफी विजिट किए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी की हर मुमकिन हम मदद करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के विंग्स अब बांग्लादेश में इतने मजबूत हैं कि दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी के जनरल्स तक जमात इस्लामी में शामिल हैं, यानी अब बांग्लादेश पूरा जमात इस्लामी के हाथ में है। ये वही जमात इस्लामी है जिसके बहुत बड़े लीडर को 2 साल पहले शेख हसीना ने टांग दिया था, पब्लिक उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन आज उसी जमात इस्लामी की बांग्लादेश में हुकूमत बन चुकी है।